हेलो फ्रेंड्स, आप अब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल ऑसिलेटर के ऊपर। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर सबसे पहले होता क्या है, हम पहले वो देखते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटिंग डिवाइस होता है। जो कि मैकेनिकल रेजोनेंस के ऊपर काम करता है। इससे हमारे पास क्या होगा, हम क्रिस्टल को वाइब्रेट करवाएंगे, उससे हमें एक इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल जाएगा हमें। यह तो इसकी छोटी सी हम डिफाइन कर दिया हमने। अब इसके अंदर यहाँ पे एक और चीज होती है कि जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसका भी तो कोई प्रिंसिपल होगा कि वह किस बेस पे काम करता है। तो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, हम एक क्रिस्टल के ऊपर अप्लाइड वोल्टेज सप्लाई देते हैं, उससे क्या होगा, जो हमारा क्रिस्टल होगा वो वाइब्रेट करना शुरू कर जाएगा और उससे हमें एक वोल्टेज प्रोवाइड मिलेगी, इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोवाइड कर देगा ताकि हम अपने सर्किट को वर्क करवा सके। इसके अंदर हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं जिससे हमारा को क्रिस्टल बनता है। हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। पहला हमारे पास आता है क्वार्ट्ज, दूसरा आता है हमारे पास टॉरमालाइन, थर्ड होता है हमारे पास रॉकचेली सॉल्ट। ये हमारे पास पीजो मटेरियल्स होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अब इसमें से जो सबसे पॉपुलर हमारे पास क्रिस्टल होता है वो होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे एक तो नेचुरली अवेलेबल है, जैसे सिलिकॉन अवेलेबल होता है हम सेमीकंडक्टर से यूज करते हैं, वो भी नेचुरली अवेलेबल, ऐसे क्वार्ट्ज भी नेचुरली अवेलेबल है। दूसरा, ये चीप होता है, और थर्ड पॉइंट होता है कि ये मैकेनिकली स्ट्रांग होता है बाकी दो मटेरियल से। तो ये तो थी हमारे पास इसकी छोटी सी डेफिनेशन कि एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होता क्या है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, कि ये जो प्रिंसिपल है हम इसके बारे में बात करते हैं कि होता क्या। अब इसके अंदर ये जो प्रिंसिपल है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसको मैंने दो प्लेट्स के बीच में रख दिया। मैंने क्या किया, एक प्लेट के एक साइड से मैकेनिकल स्ट्रेस डाला, इससे क्या होगा, जो हमारा क्रिस्टल होगा वह वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा, उससे क्या होगा, हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है दूसरी साइड पे, उससे हमारे पास हमारा जो सर्किट है काम करना शुरू कर जाएगा, उससे मतलब इलेक्ट्रिक एक सिग्नल जनरेट होगा। ऐसे ही अगर मैं उल्टी भाषा में बोलूँ, मतलब दूसरी भाषा में बोलूँ, कि मैंने एक साइड से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उससे क्या होगा, जो मेरे पास क्रिस्टल है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जो दूसरी साइड है दूसरी प्लेट पे है वहाँ पे मेरे पास मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा। तो हम जी दोनों तरफ से कह सकते हैं, चाहे आप एक तरह साइड से कह लो कि मैंने मैकेनिकल स्ट्रेस डाल लो, या आप उसके एक साइड से आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, वो वाइब्रेट करना शुरू कर जाएगा। अब ये क्या होता है, अगर हमने इसको मैकेनिकली वाइब्रेट करवाना है तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर एक प्रॉपर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, उससे वो मैकेनिकली वाइब्रेट अच्छे से होना शुरू हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक एम्पलीट्यूड ऐसा आएगा कि जो हमारे पास क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वो इक्वल टू हो जाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल की। एक पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम उसको मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करें या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो था इसकी प्रिंसिपल था कि पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है। अब हम बात करते हैं इसके सर्किट की, इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी देखते हैं और साथ में इसका एक सिंबल भी देखते हैं क्या होता है।
तो चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ। क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट, इसके अंदर आपको एक इमेज दिख रही होगी, उसके अंदर इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी दिख रहा है और साथ ही आपको एक उसका सिंबल भी दिख रहा है। वो एक मतलब सिंबल में क्या है, एक क्रिस्टल है स्क्वायर शेप का और उसको दो प्लेट्स के बीच में रखा गया है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास हम अगर इसका सर्किट देखें तो हमारे पास इसके अंदर हम BJTs और FETs का यूज़ करते हैं, मतलब कि इसके अंदर हम BJTs एंड FETs यूज़ करते हैं क्योंकि ये दोनों डिवाइस हमें हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करती है, हाई फ्रीक्वेंसी वो भी अप टू 1 MHz तक या उससे ऊपर। अब हमारे पास आते हैं कुछ नजर कि हम ओप एम्प क्यों नहीं यूज कर सकते, वो भी तो एक ट्रांजिस्टर ही है, बट हम यहाँ पे ओप एम्प इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें लो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस के लिए यूज होता है, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स के लिए जो 100 MHz के नीचे नीचे होता है, इसलिए उसके बाद इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि वो हमें इतना 1 MHz के लिए तक प्रोवाइड कर सके। तो अब हम क्या करें, तो हमें BJTs और FETs को किसी तरह यूज करना है, कोई सर्किट बनाना है, तो इसके लिए हमारे पास एक सर्किट आता है, वो होता है कॉलपिट ऑसिलेटर, कॉलपिट क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये एक सर्किट है जो हमें हायर फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करता है और जो कि थोड़ा पॉपुलर सर्किट भी है। तो ये तो था हमारे पास का सर्किट आएगा कि हमारे पास जो BJTs हम यूज करके सर्किट बनाते हैं वो आपने देखा, उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी देखा। अब दोबारा इमेज देखते हैं, मैं दोबारा इसको इमेज को दिखा रहा हूँ आपको। तो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर कि अब ये वर्क कैसे करता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इसको, वर्किंग जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, वही पहला पॉइंट है, ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। इस पे भी अब मैंने आप इसको हमने थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं कि होता क्या, एक बार दोबारा बताता हूँ कि मैंने कोई क्रिस्टल को एक साइड से मैकेनिकल प्रेशर दिया और मुझे दूसरी साइड उसका पोटेंशियल डिफरेंस आया जिससे हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है कोई एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का। तो अब कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उसको मैकेनिकल स्ट्रेस दे तो वो डिफॉर्मेशन हो जाए, उनकी शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि अगर मैं उसकी डिफॉर्मेशन शुरू हो गई, यानी वो थोड़ा सा टूटना शुरू हो गया या रिड्यूस होना शुरू हो गया, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कुछ टाइम बाद वो क्रिस्टल ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है कि हम चाहते हैं कि वो थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए चले। तो इसलिए सबसे हम यूज़ करते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसका क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ करते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि बहुत बढ़िया क्रिस्टल है। क्यों? क्योंकि ये एक तो मैकेनिकल स्ट्रांग है, मैकेनिकल स्ट्रांग, सेकंड ये चीप है, थर्ड इसकी जो क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर है इज बेटर, अच्छी क्वालिटी फैक्टर है, थर्ड वो इकोनॉमिकली रिलेटेड है, मतलब इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है वो, इसलिए हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं टॉरमेलाइन या रॉकचेलो सॉल्ट के ऊपर। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ आपने एक सर्किट भी देख रहे हैं साइड बाय साइड, वो इसकी वर्किंग बताता है। वर्किंग में क्या है कि हमें पता है कि प्रिंसिपल है। अब देखते हैं कि हमारे पास उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या लगे हैं। इसके अंदर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स, मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं RLNC, यहाँ पे आपको एक R दिख रहा है, एक L दिख रहा है और दो C दिख रहे हैं। तो हम वो भी देख लेते हैं उनको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो L है यानी इंडक्टेंस, वो क्रिस्टल का मास रिप्रेजेंट करती है कि मास ऑफ क्रिस्टल कितना है। एक मेरे पास आता है C1, वो कंप्लायंस को रिप्रेजेंट करती है,
उसके अंदर कंप्लायंस कितनी है। एक आता है सी टू, इस ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है जो कि किससे पैदा हुई, किससे फॉर्म हुई है, ड्यू टू मैकेनिकली, मैकेनिकली मोल्डिंग के कारण। एक मेरे पास आता है रेजिस्टेंस। अब ये क्या होती है, ये क्रिस्टल की इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करती है, फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हो गया कि हमारे पास कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसका अपन इक्विवेलेंट डायग्राम जैसे पिछले मैंने सर्किट में दिखाया था उसमें आर एल एन सी सीरीज में और एक सी उसके उनके पैरल उसके पैरल में लगा हुआ है। तो एक सी हमारे पास ये जो साइड पे लगा हुआ है वो एक सी ये है एक, और बाकी आर एल एन सी ये वाले होते हैं। तो ये तो था इसकी वर्किंग की। वर्किंग सिंपल है कि वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही काम करेगा, जब तक हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं मिलता तब तक बाकी सर्किट काम नहीं करेगा, यही उसकी वर्किंग है। अब हम बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था लास्ट टॉपिक में कि जो हमारे पास की वर्किंग है उसके अंदर हमारे पास दो हमने कहा था कि मैकेनिकल रेजोनेंस की वजह से होता है। अब उसमें भी दो रेजोनेंस हमारे पास आते हैं, एक आता है सीरीज रेजोनेंस एंड सेकेंड है पैरेलल रेजोनेंस। तो उसका हमारे पास इसके अंदर भी एक फॉर्मूला होता है जिससे हम उसको डिराइव उसको हम निकाल सकते हैं। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। इसके अंदर आपको दो चीजें दिख रही है, एक आता है हमारे पास एफ एस, एक आता है एफ पी। एफ एस क्या होता है हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं, एफ एस होता है हमारे पास सीरीज सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड है हमारे पास एफ पी, ये होता है पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये दोनों हमारे पास उसके अंदर अवेलेबल, तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये दिखाता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या हमारे पास रिएक्टेंस आता है। मतलब कि ये हमारे पास जो ग्राफ है ये रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ग्राफ है। इसके अंदर अगर मैं एफ एस की बात करूँ तो ये क्यों आता है, ये तब आता है जब हमारे पास जो इंडक्टेंस का रिएक्टेंस होता है वो जो इंडक्टेंस का रिएक्टेंस होता है वो कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस के बराबर हो जाए। तो इसको हम डिराइव कैसे कर रहे हैं, अगर मैं एफ एस की वैल्यू लिखूं तो ये होती है 1/2π√LC। और एफ पी की अगर मैं बात करूं तो एफ पी क्यों आता है, जैसे कि हमने इक्विवेलेंट सर्किट में देखा था कि आर एल सी का एक ब्रांच होता है, तो अगर उसका जो रिएक्टेंस है वो कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस के बराबर आ जाए तो हमारे पास पैरेलल फ्रीक्वेंसी आती है। अगर मुझे पैरेलल फ्रीक्वेंसी भी निकालनी हो तो मैं इसका फॉर्मूला मेरे पास है 2πLCT। अब यहाँ पे सी टी क्या होता है, यहाँ तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सी टी रिप्रेजेंट कि जो C1 है इंटू C2 बाई C1 + C2, क्योंकि हमारे पास उसके इक्विवेलेंट सर्किट में दो कैपेसिटर है तो उनका उनका सीरीज सीरीज जो हमारे पास सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था कैपेसिटर के लेक्चर में, तो वहाँ पे हमारे पास सीरीज कनेक्शन में देखा तो C1 C2 को हमने कैलकुलेट करना था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो 1/C1 + 1/C2 क्या था, तो वो इसी का प्रॉब्लम नहीं आने का, वही सी टी होता है। तो ये तो थी इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो मैं वो यहाँ लिख देता हूँ तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इजी है, उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। वो यही बताया है उसके अंदर कि एक कैपेसिटर के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। इसके अंदर फीचर्स
तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे लोड कैपेसिटेंस का 80 माइक्रो फैराड है, फ्रीक्वेंसी टॉलरेंस रेंज की प्लस माइनस 30 ppm है, फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर स्टेबिलिटी रेंज की प्लस माइनस 50 ppm है, इसका रेजोनेंस रेजिस्टेंस का 40 ohm है जो कि इसकी मैक्स वैल्यू है, शंट कैपेसिटेंस की 7 pF से लेस होनी चाहिए, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज जो समय क्या कहते हैं इसका मैन्युफैक्चर देखता है वो इतना होता है -20 से 70 डिग्री सेल्सियस, और इसका ऑपरेबल होता है यानी प्लस माइनस लगा करके तो हमें इतना बनता है -25 से 85 तक। इस लास्ट आता है इसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस 500 MΩ। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, इसका हमें जो क्रिस्टल ऑक्साइड का टाइप्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट्स, सबसे पहले मेरे पास आता है कॉल्पिट क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट, सेकंड आता है मेरे पास पियर्स ऑसिलेटर, थर्ड मेरे पास आता है सीमॉस क्रिस्टल ऑसिलेटर, फोर्थ मेरे पास आता है माइक्रो प्रोसेसर क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो चलिए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं कॉल्पिट ऑसिलेटर, इसका डायग्राम इन सब के डायग्राम को साइड बाय साइड देखते रहेंगे। सबसे पहला कॉल्पिट ऑसिलेटर, कॉल्पिट ऑसिलेटर में जैसे हमने बात की थी इसके नाम जे फेट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी पे हमें फ्रीक्वेंसी देता है 1 MHz की फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि आपने अगर हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर देखा होगा, चाहे वो आर्डिनो के ऊपर बोर्ड के ऊपर लगाओ, चाहे वो हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ लगाते हो, उसका कोई नंबर होता है जैसे कि 12 MHz, 16 MHz, जो उसके ऊपर लिखा होता है इन द फॉर्म ऑफ 12.000 समथिंग कुछ लिखा होता है, तो वो मेगाहर्ट्ज़ के अंदर होते हैं। तो कॉल्पिट के अंदर हमारे पास एक R1 होता है, एक R2 होता है। जो R1 और R2 होता है वो DC बायस को सेट करता है बेस के ऊपर, और हमारे पास एक RE होता है, वो क्या करता है वो हमें आउटपुट वोल्टेज लेवल को कंट्रोल करने में काम आता है। इसके बाद हमारे पास जो R2 की वैल्यू जो होती है वो हम इस हिसाब से रखते हैं ताकि इसके अंदर कोई लोडिंग ना हो, इसको हम उसको प्रिवेंट कर सके। और इसका जो ट्रांजिस्टर होता है वो उसका जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर होता है, इसकी वैल्यू होती है मैं लिख देता हूँ 2N4265 ट्रांजिस्टर, ये होता है जो हम इसके अंदर यूज करते हैं, और ये भी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में लगा होता है। अब हमारे पास बात करते हैं जो इसके अंदर C1 और C2 होता है, जो कैपेसिटर्स होते हैं वो हम शंट में लगाते हैं एट द आउटपुट। वो क्या करता है वो हमें फीडबैक सिग्नल को रिड्यूस करने में काम आता है, और हम उसकी वैल्यू इस हिसाब से रखते हैं ताकि हमें एक गेन अच्छा मिल सके, एंड जो भी हमारे पास का जो क्रिस्टल है वो इतना वाइब्रेट ना करे ताकि वो अपने आप को डैमेज ना कर सके, क्योंकि ज़्यादा वाइब्रेशन होगी वो ज़्यादा हिलेगा और वो आप इधर उधर कहीं प्लेट से टकरा गया तो वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू हम इस हिसाब से रखते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड पियर्स ऑसिलेटर के, इसका डायग्राम आपको साइड बाय साइड दिख रहा है। ये भी हमारे पास सेम एज कॉल्पिट ऑसिलेटर, इसका डिज़ाइन भी एकदम सेम होता है, लेकिन इसके अंदर एक फर्क ये है, हम जो क्रिस्टल है वो हम फीडबैक सर्किट के पाथ में लगाते हैं ताकि हमारे पास इसका फीडबैक अच्छा मिल सके, एंड इसके अंदर हम सीरीज रेजोनेंट सर्किट सीरीज रेजोनेंट का फिर यूज करते हैं जो कि इसका जिसके अंदर हम जे फैट यूज करते हैं। जे फैट हमने पहले भी यूज किया था, इसमें भी यूज करेंगे, और ये जो जे फैट है वो मेन एम्पलीफाइंग डिवाइस होगा जो वही सारा काम करेगा अपना। और ये जो जे फैट होता है ये हाई इम्पोर्टेंस हमें देता है
बिटवीन गेट एंड ड्रेन थ्रू C1 के अंदर। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे थोड़ा बहुत चलते हैं। तो इसमें हम अगर बात करें कि हमें अगर कोई अंदर कहते हैं कि आउटपुट कैसी आएगी, तो वो हमें 180 का फेज शिफ्ट मिलेगा जब हमें आउटपुट मिलेगी, और आउटपुट वो होगी साइन वेव के फॉर्म में। तो साइन वेव हमें 180 का फेज शिफ्ट होकर मिलेगी, जिससे हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहेगा। तो ये तो था हमारे पास पियर्स ऑसिलेटर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सीमॉस के बारे में। सीमॉस जैसे ही नाम से पता चल रहा है, ये इसके अंदर हमारे पास सीमॉस इन्वर्टर लगा होता है। अब ये थोड़ा अच्छा है, इसके अंदर एडवांटेज भी हमें एक मिल जाता है किस किसके ऊपर, पियर्स ऑसिलेटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि पियर्स में हमें 180 का फेज शिफ्ट देखने को मिलता था, बट इसके अंदर हमें 360 का फेज शिफ्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा भी है। क्योंकि इससे क्या होगा, वो बार बार अपने आप ही ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट हो जाता है। तो इसका भी आपको डायग्राम साथ साइड बाय साइड ही दिख रहा होगा। इसके अंदर हम जो रेजिस्टर यूज़ करते हैं वो 1 MΩ का यूज़ करते हैं, और हम एक एडिशनल बफर भी लगाते हैं ताकि जो रेजिस्टर की वैल्यू है वो इससे ज़्यादा ना बढ़े ना ही ज़्यादा घटे। वो 1 MΩ की तक ही उसको लिमिट कर देता है, उतना ही उसको नहीं आगे ऊपर जाने देता है नहीं कम होने देता है। और एक बात और होती है कि इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो स्क्वायर वेव फॉर्म होती है, ना कि साइन वेव में होती है। तो ये भी एक अच्छी बात ही है इसके लिए, क्योंकि सीमॉस में हम स्क्वायर वेव ही देखते हैं। लास्ट हमारे पास आता है माइक्रो प्रोसेसर और क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये यही हमारे पास जो हम पढ़ने वाले हैं आगे भी, मतलब कि जो हमने आगे माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो के ऊपर बात करनी है उसके अंदर हम यही इसी क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर है, हमने आपने कई जगह भी देखा होगा, एक माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर में है, पिक हो गया, या फिर अपने CPU में आपने देखा होगा। इसके अंदर हमारे पास जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वो ही सारा काम करता है, एक तरह से वो मेन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो एक इम्पल्स ट्रेन को जनरेट करता है। उससे क्या होगा, वो कंटिन्यूस है। उससे एक फायदा ये है कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी होती है, जैसे मैंने मूव की इंस्ट्रक्शन करवानी है या एडिशन की करवानी है, तो ये अपनी पल्स ट्रेन भेजेगा, ऑसिलेशन करेगा, तो ही हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट आगे चलती जाएगी। पहले एक साइकिल आई, एक फंक्शन चला, एक इंस्ट्रक्शन चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे चलती जाएगी, और यही सारा काम इसमें करेगी। तो ये था हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये हम आगे भी इसके ऊपर देखेंगे, हम इसके प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगा लेक्चर। तो ये हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट टॉपिक था, तो यहाँ पे हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को ख़त्म करते हैं, हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम नए यूनिट के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।